अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। सच बता रहा हूँ, मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हूँ। हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, पता कर दिया। नमस्कार साथियों, पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत की जन्मदिन की पार्टी एक बार फिर से सियासी चर्चा में आई है। हरक सिंह रावत ने अपना जन्मदिन मनाया, जन्मदिन की पार्टी भी उन्होंने लोगों को दी, लेकिन जिस जगह उन्होंने पार्टी दी उसे लेकर अब सियासी अटकलों का दौर बहुत तेज है। कयास बहुत सारे लगाए जा रहे हैं कि हरक सिंह रावत के मन में आखिर अब चल क्या रहा है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन हरक सिंह रावत सियासी दांव पेंच के माहिर माने जाते हैं और इसीलिए केदारनाथ उपचुनाव के बीच उन्होंने एक ऐसा कदम यहां उठाया है जिसे लेकर कांग्रेस के भीतर भी बहुत चर्चा हो रही है, कांग्रेस के बाहर भी लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं और ईडी और सीबीआई को लेकर दिए गए उनके बयान की भी बहुत चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में सीबीआई तो जैनी प्रकरण में सबसे पहले सीबीआई जांच मेरी, और उत्तराखंड में किसी नेता की अगर जांच हो रही है ईडी की तो सबसे पहले हरक सिंह की। जिसको तो हरक सिंह कुछ है ना, अरे मैं एक सिपाही का लड़का, एक सिपाही के लड़के ने सारा हिंदुस्तान की सीबीआई और एक हिंदुस्तान की जो है ईडी सबसे बड़ी जांच एजेंसी हिला के रख दिया। मेरे निमंत्रण पर मेरे बारे में तो ईडी वाले जब आए तो मैंने कहा यार हुजूर देर कर दी तुमने आते आते, मैं तो 6 महीने से इंतजार कर रहा था। मैंने कहा यहाँ रखा मैंने सामान, मैंने सब लपा कर दिया। तो कहले कहा रखा, मेरे ढूंढो तुम, तुम्हारा काम है ईडी वालों का। भाजपा हरक सिंह रावत के जन्मदिन पर उनके चाहने वाले लोग जुटे, उनके गाँव श्रीकोट में जुटे जो की श्रीनगर विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहां पर यह कार्यक्रम किया गया और इसीलिए अब दिलचस्पी है कि आखिर हरक सिंह रावत ने इस बार जन्मदिन का कार्यक्रम यहां क्यों किया। हालांकि श्रीकोट हरक सिंह रावत का पैतृक गांव है और वहां पर उनका घर भी है, लेकिन इस बार उन्होंने जन्मदिन जब वहां मनाया है तब उसके कई सियासी मायने निकाले जाने लाजमी है, क्योंकि मौजूदा दौर में कांग्रेस के भीतर जो उथल पुथल चल रही है, उथल पुथल मची हुई है, उसमें एक एक कदम के हर एक पहलू के कई कई संकेत जाते हैं। जन्मदिन अलग तरीके से मनाया गया है, लेकिन उससे पहले पुष्कर सिंह धामी को लेकर हरक सिंह रावत ने जो कहा है उसे लेकर भी उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। भाजपा कह रहे धाकर धामी की बात कर रहे हैं, धाकर धामी हरक सिंह रावत कुछ नहीं है। अरे चलो ऐसा रहा, वो मेरा छोटा भाई है। अब तुम लोगों से नहीं बोल रहा हूँ, रात 2-2 बजे तक मेरे दरवाजे पे खड़ा रहता था। सच है या उत्तराखंड में, मतलब हरीश भाई को छोड़ दिया जाए तो उत्तराखंड में कोई ऐसा नहीं है जो हरक सिंह के दरवाजे पे खड़ा नहीं रहा हूँ। 27 साल उम्र में मंत्री बन गए हैं। कौन किसके दरवाजे पर कितने बजे तक खड़ा रहता था और क्यों वह वहां खड़ा रहता था, आगे अब क्या होगा, यह सियासी पहलुओं के बीच अलग अलग लड़ाई चल ही रही है। लेकिन हरक सिंह रावत ने जिस तरीके से अब अपने पैतृक गाँव को रुख किया निकाले जा रहे हैं, तो यह है कि क्या हरक सिंह रावत की नजर गणेश गोदियार की विधानसभा सीट पर है, क्योंकि बीते कई महीनों से दोनों के बीच अनबन की खबरें चल रही हैं और 2027 के लिए अगर हरक सिंह रावत बिसात बिछा रहे हैं तो फिर क्या वह गणेश गोदियार के ऊपर भारी पड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वहां से विधानसभा चुनाव लड़ने का भी वह मन बना रहे हैं। और अभी नटकलों और कयासों के बीच अलग अलग कई मतलब हो सकते हैं, लेकिन हरक ने यह भी साफ साफ कहा है कि राजनीति में तीन चीजें होती रहनी चाहिए, चर्चा, पर्चा और खर्चा। अब हरक सिंह रावत क्या क्या करेंगे यह तो आने वाले दिनों में उनके तमाम कार्यों से पता चलेगा। चर्चा में हरक सिंह हमेशा बने ही रहते हैं और पर्चा और खर्चा का जिक्र जहां तक होता है उसकी भी चर्चा हमेशा होती ही रहती है। तो साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली रिपोर्ट में पुनः जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।